आज रात कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से जाग जाएगी सोई किस्मत, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैं ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों, मुझे हंसी आ गई। कल प्रतिभा जी थी, उन्होंने मेरे को वीडियो फॉरवर्ड करी थी। मेरी आदत है ना दशा की दिशा ऐसे बोलने की, है कि नहीं। वो तो मेरी इनबिल्ट मेमोरी है, मैं तो हुई ऐसी, है कि नहीं। तो वो सेम किसने कॉपी किया, वो बाय गॉड, मैं तो देख कर ही वो हो गई। काय को कॉपी करते रहे तुम लोग, अपनी ओरिजिनलिटी रखने का है कि नहीं। चलो एनी विच वेज, अब मैं जो चीज़ आपसे आज बात करने जा रही हूँ, देखो बात सिर्फ आज की पूर्णिमा की नहीं हो रही। एक इंसान आज, हालांकि बुधवार है, आपको लगेगा कि ये बुधवार को मंगल की क्यों बात कर रही है। अब मैं इसका आंसर देती हूँ। एक इंसान की पत्री में जब मंगल नेगेटिव होता है, मंगल मान लो कंजंक्ट विद राहु, मंगल कंजंक्ट विद केतु, मंगल कंजंक्ट विद शनि, ठीक है, या मून और मंगल चंद्र की युति हो, तो वो क्या करता है, हमेशा बोला मैरिटल लाइफ में भी झगड़े कलेश की स्थिति उत्पन्न करता है। सीधी बात है, कहते ना एक इंसान उसका मून और मार्स की कंजंक्शन पता कैसे होती है, बंदा कहते ना रो रो कर गुस्सा करता है, रो रो कर अपना गुस्सा निकालता है, ऐसे करके। वो कहते ना इंटरनल जिद्दोजहद इतनी चलती है। सेम विद मंगल और बुध भी, सीधी बात है। तो जब युति होती है हमारी पत्री में, कुछ ऐसे दिन होते हैं जब इसका इफ़ेक्ट हम कम कर सकते हैं। अब हमेशा आपको, आधे एस्ट्रोलॉजर तो आप ही बन गए पाशा लोगों, जब मंगल को अपने को उसको उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है कम करना है, तो क्या करोगे, तो चंद्रमा को उठाओगे। मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे हो। हमेशा मैंने बताया, जब भी मैंने मंगल की बात करी है, मैंने ये भी बात करी है कि जो लोग कहते हैं ना मंगल को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ओम अंग अंगारका ही नमा करते हैं, ओम हंग हनुमंता ही नमा करते हैं, वो तो करते ही करते रहो, लेकिन उसके साथ में शिव जी का भी ध्यान स्मरण करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनके देवता कौन हो गए, शिव बाबा हो गए, सीधी बात है। तो आज जो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, जिन लोगों को भी वैवाहिक समस्या, झगड़े क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, नॉन एंडिंग स्ट्रगल्स है, कुछ कुछ जो चीज़ें बता रही हूँ ना, आज फिर रात को वो कर लेना, अभी सारी तैयारी कर लो, कोई बात नहीं, 8-9 बजे के करीब कर लो, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। ये जो उपाय बता रही हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दैट, कहते हैं ना जिन जिन लोगों को ये चीज़ें बताई हैं, उन्होंने कंटिन्यूटी में चीज़ करी है, बात बनेगी, बात खत्म हो गई। मैं कहती गाड़ी पटरी पे आनी चाहिए, सीधी बात है ना। हम सोचे कि एकदम, कहते ना रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, लाइक दैट, सीधी बात है। पहले कहते हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप तो तब चढ़ोगे जब एक उससे जंप करोगे, सीढ़ी जहाँ पर चढ़ पाओ। तो अब क्या करोगे, लाल कपड़े में 5 दाने लाल मसूर के, 5 दाने काली उड़द के, ये आज करो पूर्णिमा, और इसको फिर कंटिन्यूटी में मंगलवार 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 करते रहो। इसमें जो है सारे प्लेनेट की हम लोग शांति कर रहे हैं। अब बताती हूँ पहले क्या, लाल कपड़े में 5 दाने लाल मसूर के, 5 दाने काली उड़द के, छोटा सा तांबे का टुकड़ा, मैं कहती कॉपर वायर होगी, कोई वायर होगी, उसको कट करके, अंदर तो कॉपर होती है, एलिमेंट को पकड़ के उसका इलाज करो यार, फोका पाकी अपने को चाहिए ही नहीं। छोटा सा तांबे का टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़, कांच की शीशी में दूध, कोई भी जो छोटी छोटी जो सीरम की भी होती है वो भी चलेगी, हमें तो एलिमेंट पकड़ के उसका इलाज करना है। कांच की शीशी में दूध, नीला या पर्पल कलर का फूल, चलो मान लो कि हमारे पास नीला फूल नहीं है, सब बंद है, कुछ ना मिल रहा, कोई बात नहीं, नीली इंक जो होती है वही कपड़े पे अपना डाल दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी पोटली बांध के अपने सर से 7 बार वार कर इसको गाड़ दो, रात को कभी भी कर दो यार, 8 बजे कर दो, 7 बजे कर दो, 9 बजे कर दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और आज से इस टाइम से जो चीज़ शुरू करोगे उसको फिर कंटिन्यूटी में करना। पहली चीज़ ये हो गई, शरबत आज जाकर ज़रूरतमंद को, एक बंदे को पिलाओ यार, अच्छे से ठंडा एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे भी यार शरबत की बोतल दे आओ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीज़ करना। एक मंत्र बताने जा रही हूँ, कितने लोगों ने बोला था हेल्थ रिलेटेड इतनी इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। आपको एक चीज़ बताऊँ, एक दही बनवाती हूँ, ये जो मंत्र का उच्चारण अब आपसे मैं करवाऊँगी, हेल्थ भी, मन भी,
जिनको डिप्रेशन हो रहा है कि नहीं, मून मून राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ होता है, क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है, क्या होता है, मन बेचैन रहता है, मन ऐसा डिप्रेशन सा, मतलब क्या बोलो, अभी कहते हैं ना जो जो अपने को चोट लगती है, मैं एक आपको, मेरे को, आई हैव गॉन थ्रू दिस, सीधी बात है, आई नीड टू फेस इट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैव कम सो, कहते हैं ना इतना स्ट्रांगली, कहते हैं ना चोट लगती है वो तो फिर भी दर्द नहीं होती, ये जो इंटरनल जो इमोशनल टर्ब्यूलेंस है वो एक इंसान को कहते हैं ना दैट इज मच मोर पेनफुल। कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, क्या करना है, एक कटोरी में दही रखो, उसके अंदर चीनी डाल देना, ठीक है। एक मंत्र बताने जा रही हूँ, ये मंत्र से मन से भी, दो मंत्र करना शुरू करो, मेरे को बताना हाउ आर यू फीलिंग, डोंट गेट इन टू दिस पाखंड की दुकान है, तुम्हारा ये दोष है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाखों की पूजन के मुंह में पैसे मत ठूसना, ओपल पहनोगे तभी तुम्हारा भाग्योदय होगा, एक पत्थर मेरी जिंदगी नहीं बनाएगा, कब समझोगे, सीधी बात है, चलो कोई बात नहीं, आई केयर फॉर यू पाशा लोगो। तो अब क्या करना है, एक दही ले लेनी है, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देनी है, ठीक है। इसको ना कहीं पर भी, मैं ऐसे कांच का बोल ले लेना, उसको सफ़ेद किसी कपड़े से या कैसे करके रोशनी में रख देना, रोशनी में जब रखोगे पूर्णिमा, मैं कहती कोई बात नहीं 15 मिनट की हो, 15 मिनट की ना सही, 10 मिनट में बैठो वहाँ पर बैठ कर, ओम सावित्रे नमः, ओम सावित्रे नमः, बताया था कितने पहले बताया था, है कि नहीं, कितना लोगों का देखा था ना, कितने दे फेल्ट, सावित्र नमः इज द मंत्रा विच गिव्स यू अ लग्जूरियस लाइफ, विच गिव्स, वो कहते ना एक इमोशनल स्टेबिलिटी, हेल्थ रिलेटेड, जिन लोगों को भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनका भी बॉडी साथ नहीं दे रही, ये चीज मेरी बात मान के करो, आपको खुद दिखेगा इतना फर्क, मैं आपको क्या बोलूं, ओम सावित्रे नमः। अच्छा, अब कुछ बच्चे लोग भी हैं जिनका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, कितने लोग, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे जो भी, दिमाग जब हम लोग फोकस्ड ही नहीं है, फोकस्ड भी छोड़ दो, जब अपने को पता ही नहीं कि हमें ज़िंदगी में चाहिए क्या, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अब क्या करोगे, दही में चीनी डाल के देखो, जिनको डायबिटीज़ है तो फिर चीनी नहीं डालना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी आप डालते हो, कोई भी ब्राउन शुगर है या जो वट एवर इट इज़, मैं कहती हूँ अगर नहीं भी डालो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही वैसे उधर रख देना, अपने दही की, दही रख देना रोशनी में, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, किस पे मेडिटेट करोगे, यान वाओ इट्स ब्यूटिफुल, ये आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, जब कहते हैं ना ग्रह का जो प्रभाव होता है वो अपने अंदर कुछ ना लेता, वो आपके अंदर ये चीज़ें उत्पन्न करता है कि आप गलत रास्ते सही रास्ते चले जाओ, एक इंसान को ये चीज़ पता भी होती है कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते जाता है और वहीं से उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, बराबर, ये चीज़ करो, इतना जबरदस्त, यू विल फील सो एम्पावर्ड, दोनों मंत्रों में भी कर सकते हो, ओम सावित्रे नमः, ओम सावित्रे नमः, और रात को 8:30 से 11:30 बजे करो लक्ष्मी माँ का ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः स्वाहा, एक एक बूंद आहुतियां दे दो, एक एक बूंद की आहुतियां दे दो, गाय का उपला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला देना, या आम की लकड़ी देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला देना, अपना अगर तो खीर की खीर बनाकर, खीर की एक एक बूंद, मैं कहती 21 आहुतियां दे देना, और आज क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा, किन माँ को उजागर करोगे, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, हमेशा एक चीज बताइए कि मंत्रों में उतनी शक्ति है, देखो मंत्र परमात्मा नहीं है लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ने का एक साधन है, ओम दुम दुर्गाय नमः, अपना अपनी अपनी चीज, किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करे, बेतुकी चीजें मत कर देना, पड़ोसी का जो लड़का है वो मेरे को बड़ा पसंद है, ऐसे करके ख्याली रियलिस्टिक गोल बनाओ,
अपना एम करो, उसको अचीव करो, बात खत्म हो गई। ठीक है पाशा लोगा, आज के लिए बहुत हो गया। मैग्निफाइड हीलिंग की जो क्लास है 9th या 10th June को है, अपने चक्रास को हील करो, अपने पास्ट लाइफ को हील करो, इट इज ब्यूटिफुल। मैं क्या हमेशा बोलती हूँ, जब हम 10 मोडालिटीज ऑफ हीलिंग को मिला देते हैं, दैट इज मैग्निफाइड हीलिंग। लोगों की लाइफ जो चेंज हो रही है, जो मैं इतना वीडियोस में समझाती हूँ, अब उनको बात समझ आ रही है मैं इतना क्यों इस चीज़ को रेकमेंड कर रही हूँ पाशा लोगों। तो रजिस्ट्रेशन ऑन है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे दिल मत तोड़ो। हाँ, मेरे दिल को अपने दिल से जोड़ दो, है कि नहीं? और लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, मैं कहती ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।